हेलो गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस समय शाम के 6:30 बज चुके हैं और आज दिन है गुरुवार। और अभी मेरा चाय पानी, शाम को सबको नाश्ता भी दे दिया, चाय भी दे दी थी। और अभी दोस्तों मुझे आपसे एक बात करनी थी, आपसे एक बात शेयर करनी है कि आप लोग मेरे वीडियो को देखते हो, उसको पसंद करते हो, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। बट दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो पे कोई कमेंट नहीं देते से, और उसको लाइक भी नहीं करते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप उसे लाइक ज़रूर किया कीजिए, जिससे मुझे आगे भी वीडियो बनाने की बनाती रहूं। और अगर आपको मेरे वीडियो में कोई बात नहीं भी पसंद आती है या कुछ ऐसा लगता है मेरे वीडियो में आपको पसंद नहीं है, तो प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में आप उस पर अपने ज़रूर बताइए मुझे कि मेरी क्या कमी रह गई या यहाँ पे मैं क्या कर सकती थी, क्योंकि हर कोई अपने काम में परफेक्ट नहीं होता। मैं भी नहीं कहती कि मेरा वीडियो बिल्कुल परफेक्ट है, मैंने अभी वीडियो बनाना शुरू किया है तो उसमें बहुत सी ऐसी कमियाँ हैं जो अभी मुझे ठीक करनी है। तो अगर आपको कुछ ऐसा समझ में आता है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसमें आपको कोई पैसे भी नहीं पड़ते हैं सब्सक्राइब करने की, सिर्फ एक बटन प्रेस करनी है। और अगर आप उसको करते रहेंगे तो मुझे भी आगे कुछ मिलेगी कि हाँ चलो ऐसा करना है। अगर आप कमेंट में बताते रहेंगे तो मैं आगे इससे अच्छा बेस्ट करने की कोशिश करूँगी और अपनी सारी गलतियों को इम्प्रूव करूँगी कि मैंने कहाँ क्या किया। और अभी मैं एक नई यूट्यूबर हूँ तो अभी कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट होती, मेरे कितने व्यूज़ आए, मेरे कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, धीरे धीरे तो फिर इसकी आदत ही पड़ जाती है। इसलिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है मेरे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आगे भी मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर कोई कमी लगती है तो कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ मेरे वीडियो के कमियां बता सकते हैं। और चलिए दोस्तों, फिर आज मैंने कोई दिन में ब्लॉग नहीं बनाया, मैं अपना ब्लॉग अभी शुरू कर रही हूँ, क्योंकि आज सारा दिन मैंने सुबह से कोई ब्लॉगिंग नहीं की थी। अब मैं जा रही हूँ बनाने एक ऐसा सॉफ्ट ड्रिंक जो अगर आप घर में बनाएंगे तो सच में अगर आप दोस्तों के सामने उसको सर्व करते हैं तो कोई उसमें नहीं बता सकता है कि ये बाज़ार का है या घर का बना हुआ है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है गेस्ट आ जाते हैं और हमारे घर में अधिकतर ऐसा होता है कि दूध नहीं है या कोई लाने वाला नहीं है, कभी कुछ नाश्ता नहीं बच्चों में बचता है, तो ऐसा कई बार अमूमन हर घर में होता होगा। तो अगर आप इसको बना के उनके सामने सर्व करेंगे तो सच में दोस्तों बहुत ही टेस्टी है और बनता भी बहुत अच्छे है, ना कोई केमिकल पड़ेगा ना ही कोई फूड कलर है। और इसको आप बाज़ार का ड्रिंक पीना इसके आगे भूल जाएंगे, कभी कभी बच्चे भी जिद करते हैं बाहर का ही पीना, अगर आप बच्चों को एक बार इसको पिला देंगे तो बच्चे भी बार बार आपसे यही डिमांड करेंगे इसी की। तो चलिए फिर चलते हैं हम लोग किचन में और बनाते हैं ड्रिंक, आप भी मेरे साथ मेरे किचन में चलिए। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आप हमेशा सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ज़रूर 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 कीजिए। और आप अपना प्यार देने, इतना प्यार देने के लिए बहुत 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 थैंक यू। इसके लिए हमको चाहिए दो आम, इनको हम पहले छील लेंगे इस तरह से। ये देखिए मेरे आम उबल चुके हैं और ठंडे हो चुके हैं, इनको मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था, अब ये ठंडे हो चुके हैं तो अभी इनको ग्राइंडर में पीस लेंगे। इसमें हम डालेंगे चीनी, चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं और आम के ऊपर भी डिपेंड है, अगर आपके आम ज्यादा खट्टे हैं तो आप चीनी को घटा बढ़ा सकते हैं।
तो इनको हम पीस लेंगे। ये देखिए हमारा पिस चुका अच्छे से। इसको एक बॉल में निकाल लेंगे। अब इसमें हमें जितनी आपको पतला चाहिए या गाढ़ा चाहिए आप इसमें चिल्ड वाटर मिलाएंगे, बिल्कुल ठंडा पानी। अच्छे से मिक्स कर देंगे पानी को। इसमें हम बर्फ ऐड नहीं करेंगे क्योंकि बर्फ पानी अलग छोड़ देती है। अब हम इसको एक स्ट्रेनर में डाल के अच्छे से छान लेंगे। और मेरे पास स्ट्रेनर नहीं था इसलिए मैंने ये आटा वाली चलनी ली है, उसको साफ करके उसमें छान रहे हैं। इसको हमें अच्छे से छानना है जिससे इसमें आम के जितने रेशे वगैरह होते हैं वो कुछ भी ना बचे। ये देखिए, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के जो थोड़ा बहुत बचता है छन्नी में सब पूरा निकाल लेंगे। बिल्कुल हमें स्मूथ चाहिए, बिल्कुल इसका कोई भी रेशा वगैरह नहीं होना चाहिए। ये देखिए हमारा सारा रेशा निकल चुका है। इस तरह से पूरा छान लेंगे। ये देखिए ये हमारा पूरा तैयार हो चुका है। और इसमें अभी हम पानी और ऐड करेंगे। मुझे थोड़ा गाढ़ा सा लग रहा था इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड किया है। अब इसको हम अपने छोटे बर्तन में या ऐसे ही आप चाहें तो भगोने में करके फ्रीजर में या अपना फ्रिज में आप 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दें, क्योंकि ये चिल्ड ही अच्छा लगता है। तो तैयार है, ये देखिए तो लीजिए तैयार हो गया मेरा माजा ड्रिंक। आइए दोस्तों आप भी पी लीजिए और इसका टेस्ट बिल्कुल माजा की तरह लगता है। प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तब चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।